नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव की तनातनी के बीच समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताने वाले पोस्टर चस्पा कर दिए। अब इस पोस्टर ने बीजेपी को न सिर्फ अखिलेश पर हमले का मौका दिया बल्कि इंडिया गठबंधन पर तंज कसने का मौका भी दिया। लेकिन जब मीडिया ने अखिलेश यादव से फ्यूचर पीएम वाले पोस्टर पर सवाल दागा तो बीजेपी की बोलती बंद हो गई। अखिलेश ने दो टूक कह दिया कि समाजवादियों का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को रोकना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर तल्खी का असर बयानों से आगे बढ़ गया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर अखिलेश यादव के भावी प्रधानमंत्री वाले पोस्टर चस्पा हो गए। संदेश ये कि लाल किले का रास्ता यूपी से ही निकलेगा और सबसे बड़े सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी को नजरअंदाज करना कांग्रेस को महंगा पड़ सकता है। हम समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा से चाहते हैं कि हमारा नेता श्री अखिलेश यादव जी भी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने उत्तर प्रदेश, देश का जो सबसे बड़ा प्रदेश है, उसको कितनी बाखूबी से चलाया, विकास का कार्य किया जो लोग आज भी याद करते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि मेरा नेता श्री अखिलेश यादव जी भी देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसी हम सबकी इच्छा है। हालांकि अखिलेश यादव का जन्मदिन 1 जुलाई है, लेकिन पार्टी को जब कोई संदेश देना होता है तो कार्यकर्ता कभी भी उनका जश्न मनाने लगते हैं। जिसे जो पैगाम पहुंचाना होता है वो पहुंचा ही देते। अखिलेश यादव को इस होर्डिंग में भावी प्रधानमंत्री दिखाया गया है और ये होर्डिंग लगाई है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने। फखरुल हसन चांद हमारे साथ मौजूद भी हैं। फखरुल भाई, मुझे ये बताइए कि ये भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बधाई, क्या मैसेज है? क्या कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष है क्या? नहीं नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की इच्छा है। जो सपना समाजवादियों ने देखा था कि नेताजी इस देश के प्रधानमंत्री बने, वो सपना अधूरा रह गया, इसलिए वो सपना आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरा करे जैसे दूसरे सपने नेताजी के पूरे कर रहे हैं, यही समाजवादियों की इच्छा है। और देश में जब प्रधानमंत्री बनना था तो देश के प्रधानमंत्री भी वो गुजरात छोड़ के उत्तर प्रदेश आए थे, तो सबको पता है कि बगैर उत्तर प्रदेश को जीते दिल्ली की हासिल नहीं की जा सकती। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल है, 35% से ज्यादा वोट शेयर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिला था। मैनपुरी घोसी में हमने भारतीय जनता पार्टी को भारी अंतर से हरा के दिखाया है, तो समाजवादी पार्टी ही एक ऐसा दल है जो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है। एमपी चुनाव के बहाने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच छिड़ी रार से बीजेपी मन ही मन मुस्कुरा रही, लेकिन जब अखिलेश यादव के भावी पीएम वाले पोस्टर चस्पा हुए तो बीजेपी की बांछें खेल गई, मानो इंडिया गठबंधन जैसे टूट ही गया। पार्टी के तमाम नेता विपक्षी गठबंधन के खात्मे की मुनादी करने लगे, पीएम पद की दावेदारी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताने लगे। लेकिन उत्तराखंड के रण में उतरे अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे बीजेपी की खुशियां काफूर हो गई। अपने को प्रपोज कराने का काम कराया गया है और अखिलेश जी भी इस बात से खुश होते होंगे कि हमें प्रधानमंत्री की दावेदारी हमारे समर्थक रख रहे हैं। और अन्य ऐसे, इसीलिए ये जो विपक्ष का गठबंधन बना है INDIA, उसमें जितनी भी पार्टियां हैं, हर पार्टी के मुखिया अपने को प्रधानमंत्री के लिए मन ही मन प्रपोज भी करते हैं और उनके समर्थक भी उन्हीं को प्रपोज करने का काम करते हैं। नहीं, आपने देखा होगा अभी पीछे विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सारी सीटें जीत रही थी और अखिलेश जी 6 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बन गए थे, तो अभी चुनाव में 6 महीने प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं, तो अधिकार है उनका। दिल्ली जाने का तो हर नेता का सपना होता है कि हम CM बन गए तो PM बने, तो सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सपने के लिए काम करना बहुत जरूरी बात होती है। तो काम तो है नहीं, सपना दिल्ली का है, तो सपना देखना अच्छी बात है। इंडिया गठबंधन बन चुका है तो सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, ये एक स्वाभाविक सी बात है, इसको अन्यथा किसी और से नहीं जोड़ना चाहिए। कोई भी लगा रहा है पोस्टर, मैं आपका पोस्टर लगा दूं, और मैं तो अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा हमारी ये साथी हैं, इनकी पोस्टर लगा दो, शायद ये भी कुछ बन जाए। पोस्टर लगने से कोई नहीं बनना है, हाँ अगर किसी की भावना है, किसी कार्यकर्ता ने लगाया है, तो उसके सोचने और उसकी तरफ से ही बात है।
समाजवादियों का लक्ष्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए सीट नहीं छोड़ने को लेकर कांग्रेस से नाराज अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर बीजेपी से सांठगांठ के आरोप लगाए थे। दोनों तरफ से बयानों की तलखी चरम पर पहुंच गई थी, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व से बातचीत के बाद यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी कि वो कांग्रेस नेताओं के बारे में कोई भी अनर्गल बयानबाजी ना करें। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ न्यूज 24।